Triple kill. Tone of thoughts buzzing up my brain, wondering if I make it or am I going insane. And then everybody they tell me I should stay in my lane, but my best is yet to come. So I told you that I'ma stay, yeah, yeah, baby. Hit me up with them facts, tell me that you gon' love me, never come hold me back. Cause I swear to God the bitches who do that shit to me. Triple kill. Treat me like I'm special, then leave my ass in the past. Fuck, got a little into it. Smoking all this weed got me feeling little innocent. Triple. You made me feel free, now it feels like I'm missing everything I need, now I'm here reminiscing. Whoa, but now I'm rapping on that new new. Tryna make it sad, feel the pain, call it voodoo. It's the hope, but homie tell. तो गाइस देखो, आप सभी को पता है अगर हमें फ्री फायर गेम में एकदम ओपी हेडशॉट मारना रहता है तो उसके लिए हमें अपना फायर बटन साइज पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना रहता है। सो इसी वजह से मैंने सोचा गाइस क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपके डिवाइस के हिसाब से आपका फायर बटन साइज कितना रखना है, जो कि गाइस आपका यहाँ पे हेडशॉट मारने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ये वीडियो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज के वीडियो में गाइस मैं आज आपको यहाँ पे जो पॉइंट बताऊंगा वो पॉइंट गाइस आपको अभी तक यहाँ पे किसी ने नहीं बताया होगा। मैं गाइस आपको यहाँ पे आपका जो फायर बटन साइज है यहाँ पे आपको चार तरीके से बताऊंगा। एक तो आपके रैम के हिसाब से बताऊंगा, एक तो आपके गाइस स्क्रीन के साइज के हिसाब से बताऊंगा, एक आपके प्रोसेसर के हिसाब से बताऊंगा, एंड आपके थंब साइज, एंड आपको यहाँ पे फायर बटन साइज का पोजीशन भी बताऊंगा। सो ये वीडियो इसी वजह से आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आपको आज का हमारा यहाँ वीडियो पसंद आएगा, एंड यहाँ वीडियो देखने के बाद आपको आपका परफेक्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन मिल जाएगा। सो गाइस अगर आपको आज का हमारा यहाँ वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो गाइस अब एक छोटे से इंट्रो के बाद अपने शानदार से वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। Young Ting, you going crazy. Oh no, no. King, this shit fuego. फ्री फायर गेम में हेडशॉट मारने के लिए गाइज हमारे फ़ोन का साइज भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे गाइज साइज से मेरा मतलब हमारे फ़ोन की चौड़ाई है, जिसे आप इंग्लिश में विड्थ भी बोल सकते हो। अगर गाइज आपका यहाँ पे फ़ोन का विड्थ काफ़ी ज़्यादा होगा तो आपका यहाँ पे हेडशॉट काफ़ी ज़्यादा लगेगा। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं चीज़ को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे सपोज करो एक बंदे के पास यहाँ पे कम चौड़ाई वाला फ़ोन है, मतलब कम विड्थ वाला फ़ोन है, एंड दूसरे बंदे के पास यहाँ पे हाई विड्थ वाला फ़ोन है, मतलब ज़्यादा चौड़ाई वाला फ़ोन है। तो गाइज अगर यहाँ पे एक बंदे को दोनों डिवाइस पे खेलने के लिए दिया जाए तो यहाँ पे डेफिनेट सी बात है, जो बंदा यहाँ पे ज्यादा विड्थ वाली फोन में गेम खेलेगा उसका यहाँ पे हेडशॉट ज्यादा लगेगा। बिकॉज ज्यादा विड्थ वाले फोन में होगा क्या, उसको यहाँ पे ड्रैग करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा, एंड जितना ज्यादा स्पेस उसको ड्रैग करने के लिए मिलेगा उसका यहाँ पे हेडशॉट उतना ही ज्यादा लगेगा। यहाँ पे गाइस मैंने आपको ये चीज इसी वजह से बताई बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास लो विड्थ का फोन होता है। सो गाइस अगर आपके पास लो विड्थ का फोन है तो आपको क्या करना है, आपको अपना फायर वाले बटन को छोटा करके रखना है। बिकॉज जिस बंदे के पास ज्यादा विड्थ का फोन होगा उसके बाद ज्यादा स्पेस मिलेगा ड्रैग करने के लिए। तो गाइस अगर वो वहाँ पे अपने फायर बटन साइज को जितना भी रखेगा, मतलब 100 रखेगा, 50 रखेगा, उसको यहाँ पे ड्रैग करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसका एम ऑलवेज एनिमी के हेड पे जाके लेगा। बट यहाँ पे तो गाइस अभी आपके पास लो विड्थ का फोन है तो गाइस इसमें आपको करना क्या रहेगा, आपको आपका फायर बटन साइज को छोटा कर देना है, आपको आपका फायर बटन साइज 40 और 50 के बीच पे रखना है। तो गाइस देखो हम सभी को पता है हमारे फ़ोन में अलग अलग प्रोसेसर लगे होते हैं, किसी के फ़ोन में एकदम अच्छा प्रोसेसर लगा होता है, किसी के फ़ोन में बेकार प्रोसेसर लगा होता है। एंड गाइस यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, जिसके फ़ोन में अच्छा प्रोसेसर लगा होगा तो उसके फ़ोन में गेम एकदम स्मूथ चलेगा, एंड जिसके फ़ोन में बेकार प्रोसेसर लगा होगा उसके फ़ोन में गेम लैग मार के चलेगा। तो गाइस देखो यहाँ पे जो मैं आपको फायर बटन साइज बताऊंगा वो मैं आपको यहाँ पे प्रोसेसर के हिसाब से बताऊंगा। इसीलिए गाइस अगर आपको यहाँ पे आपके मोबाइल का प्रोसेसर नहीं पता तो गाइस इस चीज़ को आप गूगल पे जाकर सर्च भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर आपके फ़ोन में स्नैपड्रैगन का 700 से नीचे का प्रोसेसर है तो यहाँ पे आपको फायर बटन साइज को छोटा करके रखना है। बिकॉज देखो यहाँ पे जिस भी बंदे के पास स्नैपड्रैगन 700 से नीचे का मोबाइल होगा तो ऑब्वियसली बात है उस पर गेम लैग मार के चलेगा, एंड जहाँ पे गेम लैग मार के चलेगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था वहाँ पे आपको फायर बटन साइज को छोटा करके रखना है, आपको आपका फायर बटन साइज 40 से 50 के बीच पे रख देना है। एंड गाइस अगर वहीं पे अगर आपके पास स्नैपड्रैगन 700 से ऊपर का मोबाइल है तो आपको वहाँ पे आपका फायर बटन साइज को थोड़ा बड़ा करके रखना है, आपको आपका फायर बटन साइज 50 से 60 के बीच पे रख देना है। एग्जांपल के लिए गाइस यहाँ पे देखो मेरे मोबाइल में स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर लगा है तो मैंने यहाँ पे अपना फायर बटन साइज को बड़ा करके रखा है, मैंने यहाँ पे अपना फायर बटन साइज को 60 करके रखा है। अब देखो गाइस आप सभी को पता है जिन भी डिवाइस का एकदम लो रैम होता है वहाँ पे खेलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज वहाँ पे हमारा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लैग मारने लगता है, एंड जिस वजह से अगर हम ड्रैग करते हैं तो हमारा ड्रैग एनिमी के हेड पे जाके नहीं लगता, हमारा यहाँ पे बॉडी शॉट ही लगता है। बट गाइस मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ बताऊंगा, अगर आप यहाँ पे उस चीज़ को अपने लो रैम डिवाइस में कर लोगे तो आपका यहाँ पे हेडशॉट पहले से काफ़ी ज़्यादा लगने लगेगा। गाइस मैं आपको यहाँ पे ये तो नहीं बोल रहा कि आपका हेडशॉट 80-90 तक पहुँच जाएगा, बट यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा वो चीज़ का यहाँ पे डेफिनेटली आपका
लोरम डिवाइस पे हेडशॉट रेट को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेगा, जो है गाइस हमारा फायर बटन साइज। अगर गाइस आपने अपने लोरम डिवाइस में अपना फायर बटन साइज को बड़ा करके रखा है तो ये आपकी काफी बड़ी मिस्टेक है, बिकॉज आप सभी को पता है लोरम डिवाइस में हमारा गेम पहले से स्मूथ नहीं चलता। एंड अगर आपने अपना फायर बटन साइज को बड़ा करके रखा होगा तो आपका ट्रैक कैसे एनिमी के हेड पे जाएगा, बिकॉज आपके फोन में तो गेम स्मूथ चल ही नहीं रहा ना। इसी वजह से गाइस आपको लोरम डिवाइस में क्या करना है, आपको अपना फायर बटन साइज को ऑलवेज छोटा करके रखना है। जब गाइस मैं लोरम डिवाइस में खेलता था तो मेरा यहाँ पे फायर बटन साइज 50 और 40 के बीच पे रहता था। इसी वजह से अगर आपके पास लो रैम का डिवाइस है, 2 या फिर 3 GB रैम का मोबाइल है, तो आपको यहाँ पे अपना फायर बटन साइज यहाँ पे आपको 40 से 50 के बीच पे रखना है। एंड गाइस अगर वहीं पे आपके पास एकदम हाई रैम का डिवाइस है, जैसे कि 4 GB 6 GB 12 GB रैम का मोबाइल है, तो गाइस यहाँ पे आपका फायर बटन साइज ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि गाइस आपका यहाँ पे गेम स्मूथ चलता है। एंड अगर आपका यहाँ पे गेम स्मूथ चलता है तो गाइस आपका यहाँ पे फायर बटन साइज का कोई भी रोल नहीं रहता हेडशॉट मारने के लिए। इसी वजह से गाइस अगर आपके पास हाई रैम का डिवाइस है तो आप अपने फायर बटन साइज को छोटा रखो या बड़ा रखो, कोई भी मैटर नहीं करता। आई होप गाइस अभी तक आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि गाइस हम अपने चैनल पे ऐसे ही कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। अब देखो गाइस दुनिया में तरह तरह के लोग पाए जाते हैं, कोई कोई लोग मोटे होते हैं, कोई कोई लोग पतले होते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो मैं आपको फायर बटन साइज बताऊंगा वो आपको मैं इसी बेसिस पे बताऊंगा। सो गाइस देखो यहाँ पे जो भी लोग मोटे होंगे तो ऑब्वियस बात है उनका फिंगर काफी ज्यादा मोटा होगा, मतलब उनका थंब काफी ज्यादा मोटा होगा। एंड जो लोग पतले होंगे तो उनका थंब भी काफी ज्यादा पतला होगा। सो गाइस यहाँ पे बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर आपका यहाँ पे थंब काफी मोटा है तो गाइस आपको यहाँ पे आपका जो फायर बटन साइज है इसके साइज को आपको थोड़ा बड़ा करके रखना है। बिकॉज गाइस अगर आप यहाँ पे अपना फायर बटन साइज को छोटा करके रखोगे तो ऑब्वियस ये बात है आपका यहाँ पे जो फायर बटन है वो कभी भी प्रेस नहीं होगा, बिकॉज आपका थंब काफी ज्यादा मोटा है। एंड फायर बटन साइज को छोटा रखने की वजह से आपका ड्रैग बहुत कम होगा। इसीलिए गाइस जिनका थंब यहाँ पे मोटा है तो गाइस उनको उनका जो फायर बटन साइज है इसके साइज को थोड़ा बड़ा करके रखना है। अब गाइस मैं आपको यहाँ पे ये तो नहीं बता सकता कि आपको आपका फायर बटन साइज कितना रखना है, बिकॉज हर किसी का थंब साइज अलग होता है। अगर आपका थंब काफी ज्यादा मोटा होगा तो आपका आपका फायर बटन साइज को काफी बड़ा करना है। एंड अगर आपका यहाँ पे थंब काफी पतला होगा तो आप अपना फायर बटन साइज को छोटा रख के भी गेम प्ले कर सकते हो। फायर बटन साइज के पोजीशन के बारे में गाइस आपको क्या ही बताना, आप में से 90% लोगों को तो पता ही होगा, पर जिनको नहीं पता मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो भाई देखो अगर आपको फ्री फायर गेम में एकदम ओपी हेडशॉट मारना है तो उसके लिए आपको आपका फायर बटन साइज को ऑलवेज नीचे रख के गेम प्ले करना रहता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रिक है। एंड आपने बहुत सारे प्रो प्लेयर को देखा भी होगा कि उनका फायर बटन साइज ऑलवेज नीचे रहता है। फायर बटन साइज को गाइस नीचे रखने से होता क्या है, हमें ड्रैग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है। एग्जाम्पल के लिए गाइस अगर एक बंदे ने अपना फायर बटन साइज को ऊपर करके रखा होगा तो उसको गाइस ड्रैग करने के लिए कम स्पेस मिलेगा। एंड अगर वहीं पे उसी बंदे ने अपना फायर बटन साइज को नीचे करके रखा होगा तो उसे यहाँ पे ड्रैग करने के लिए काफी ज्यादा स्पेस मिलेगा, जो उसका हेडशॉट रेट बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। आई होप गाइस आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं साइड की मांग में रहता था, छाती पर थी पैंट तेल, कानों से बहता था ना, स्पोर्ट्स में मैं आगे था, लुक भी मेरा गंदा था, पता नहीं यार।